वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक बाणी चैनल वेखन वाले सारे दर्शकों का मैं रमनदीप कौर निघा स्वागत करती हाँ। एक बाणी चैनल की यह कोशिश होंगी है कि समय समय से तुहानू उन्हां शख्सियतां दे वी रूबरू करवाइए जिन्हां दे विचार तुहाडे तक पहुँचाने जरूरी होंदे ने, ते नाल ही साडे सिख कौम दे उन्हां बच्चों नू वी तुहाडे रूबरू करवाने हुंदे, उन्हां दी हौसला अफजाई दे लई जिन्हां ने सानू माण महसूस करवाया। इत्थे तुसीं मेरे पिछे मैडल वेख सकते हो, शायद मेरे कोल जगह नहीं सी इन्हां मैडल्स नू सैट करन दे लई, लेकिन 8वीं जमात दी बच्ची प्रगीत कौर ने यह मैडल 7 सालां दे विच, इस 7 साल की उहदी कमाई है, हले वाहिगुरु परमात्मा उसनू होर तरक्की बख्शे, जिंदगी दे विच बहुत कुछ करना चाहुंदे ने प्रगीत कौर। प्रगीत कौर नू अज तुहाडे रूबरू क्यों कर रहे हैं यह भी मैं पहला दसदा, तो फिर आप उन्हां नू तुहाडे रूबरू करते हैं। स्केटिंग दा एक नैशनल चैंपियनशिप हुई है जिस दे विच जम्मू कश्मीर दे नाम प्रगीत कौर होना ने गोल्ड मैडल किया, साढ़े लिए वो गोल्ड मैडल लैके आए हैं, पूरे J&K उन्होंने प्राउड है, तो नाल ही साड़ी सिख कौम की यह बच्ची है, सानू भी वो उत्ते माण है। आओ स्वागत करते हैं प्रगीत कौर होना दा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला तो प्रगीत मैं थोड़ा थैंक्स भी करांगी कि तुसी सानू साड़ी सारी कौम नू ही प्राउड फील करवाया, क्योंकि इदा के बच्चे जो साड़ी कौम दे विच अग्गे आउंदे ने ता वो सिर्फ तुसी अपने लिए नहीं, पूरी अपनी कौम नू रीप्रजेंट कर रहे होंगे हो कितने भी जाके, है ना। तो नाल ही तुहानू मैं कॉन्ग्रैट्स भी करांगी कि थोड़ी ये मेहनत है, इन्ने सारे मैडल सानू दिख रहे हैं, तो गोल्ड मैडल है जिहड़ा हुण तुसी इंडिया स्केट दे विचों ये लैके आए हो, तो स्केटिंग दा थोड़ा किदा इंट्रस्ट बनिया? भाई, जब मेरा भाई है वो करता था, वो काफ़ी एज में मेरे से बड़ा है, तो मैं काफ़ी छोटी एज से उसे देखती थी, तो मेरे को गेम काफ़ी वो मतलब क्यूरियोसिटी होती थी उसको देख के कि मेरे को भी सीखना है तो मेरे को भी करना है। ऐसे धीरे धीरे फिर मेरा इंटरेस्ट बनने लगा उसमें, तो वैसे ही। तो पहला तुसी इसनू शौक दे लई कीता, हौली हौली तुहानू इस गेम दे विच पार्ट ऑफ लाइफ बन गया, हौली हौली गेम तुहाडे नाल ही चलदी गई, है ना। 2018 से, 2018 से। किन्ना का हार्ड वर्क, किन्नी मेहनत लगती है इस गेम दे लई भी? काफी प्रैक्टिस किन्नी करदे हो? प्रैक्टिस शाम को वहां पे स्टेडियम में, तो सुबह रोड। तो इदा नहीं लगता प्रगीत जो तुसी किसी गेम दे नाल जुड़ जाते, इदा लगता तुसी प्रैक्टिस ना करो तो एडिक्शन जिवें कह सकते, प्रैक्टिस हाँ, नहीं करो कुछ अधूरा अधूरा लगता दिन दे विच अपनी गेम दे नाल इन्ना प्यार हो जाता, है ना। तो सब तो ज़्यादा थोड़े मैम किसी भी हुण तक तुसी बाहर भी खेडन गए हो, सब तो ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस अपनी किस मैच नूं मानदे हो, किस कदों मानदे हो कि उदों मैनूं मज़ा आया? यही जब अभी रायपुर गए थे छत्तीसगढ़। की खास सीगा? कंपटीशन हार्ड सी? कंपटीशन तो था, साथ में वहाँ के रिंक मतलब कोई इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी समहाउ वी मैनेज्ड। अच्छा, मतलब जो सहूलत होनी चाहिए थी वो नहीं थी, ऐसी नहीं सी। तो जेकर जम्मू कश्मीर दे विच गल करिए स्केटिंग नू लेके, किन्ना क इत्थे जिहड़े स्पोर्ट एसोसिएशनस ने, स्पोर्ट्स ने जिहड़े इत्थे विभाग आ, उहनां दे वल्लों किन्ना क ध्यान दित्ता जांदा तुहाडे प्लेयर्स दे उत्ते, थोड़ी सहूलतों वाल ध्यान रखा जा रहा? रिंक तो पहले मतलब वो सीमेंटेड था, अभी सिंथेटिक उस पर कोटिंग करी है, लेकिन अभी वो 150 मीटर्स का है, वो जो मतलब नेशनल लेवल पे 200 मीटर्स का होता है। साथ में रोड की बात करें तो रोड सर्किट नहीं है हमारे पास, बाकी मोहाली आप देखो या फिर कहीं किसी और स्टेट में देखो, लोगों ने अपने प्राइवेट बनाए हुए हैं। जेडे तुसी रोड सर्किट से गल कर रहे हो नहीं है, फिर तुसी वो वाली प्रैक्टिस किथे कर दे हो? नेशनल हाईवे पे। नेशनल हाईवे पे खुद अपने रिस्क दे उते तुसी अपनी प्रैक्टिस कर दे हो नेशनल हाईवे दे उते, ते पेरेंट्स दा किन्ना क सपोर्ट रहा तुहानू इस दे विच? फुल सपोर्ट, सारी फैमिली का फुल सपोर्ट था। ते बड़े, क्योंकि देखो अज इंटरव्यू तुहाडा करवाउणा, तुहाडे तुहानू अज साडी बाणी चैनल दे उते लैके आना, तुहाडे मदर फादर बहुत एक्साइटेड मैं देखे ने, बहुत सपोर्ट करते हैं तुहानू, है ना। तो अब तुहाडा रोल मॉडल, क्योंकि हुण स्केटिंग दे नाल मैं इन्ना जुड़ी नहीं हुई, मैनूं तो पता भी नहीं प्लेयर किहड़े किहड़े ने, तुसी क्या स्केटिंग दे विच भी तुहाडा कोई रोल मॉडल है कि? सर अपने कोच अर्जुन गंडोत्रा, जम्मू दे ही ने जी। तो जम्मू कश्मीर दे विच किन्ने क बच्चे ने जिहड़े स्केटिंग दे नाल जुड़े हुए ने? अपने मतलब ऐसे देखे तो
60-70 होएंगे पूरे ऑल जे एंड के दे विचो। हाँ बाहर का मतलब श्रीनगर वाली साइड का इतना नहीं पता, जम्मू के जो हैं वो। तो ये जेड़ा तोड़ा नेशनल चैंपियनशिप होया इस तक की उत्तो तक पहुँचन दा की लेवल सन जेड़े तुसी पार किते ने? ये तो ऑल इंडिया ओपन था, इसमें मतलब वो नहीं होता, इसमें डायरेक्टली कोई भी मतलब पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ऐसा भी होंगे कि थोड़ी पहला सिलेक्शन है किसी होर चैंपियनशिप दे लई, पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल ते हुंदी है फिर स्टेट ते हुंदी है, ए केड़े थोड़े मैचेस होंगे? वो RSFI ऑर्गेनाइज करती है हर साल दिसंबर में। तो जेड़े बच्चे जिदा तुसी गोल्ड मेडल लेके आए हो क्या थानू अप्रोच करती है स्टेट, ध्यान देंगे कि केड़े बच्चे साढ़े गोल्ड लैके आए हैं? क्योंकि उत्थे तो सिर्फ प्रगीत कौर नहीं ना बोलिया जाता, उत्थे जे एंड के तुसी रीप्रजेंट करते हो जाके, तुसी एक गोल्ड मेडल लैके आए हो साड़ी जे एंड के स्टेट के लिए। तो अज तक किसी ने तुहाडे नाल राबता किया जो तुसी ये लैके आए हो, कोई थानू एप्रीशिएट किया गया? हाँ गवर्नमेंट दे वल्लों इत्थे दी जिहड़ी स्टेट दे वल्लों? तो नहीं जदों होंदा कई बार भी होंदा कि एक प्लेयर किन्नी मेहनत करके लैके आया तो जिस हिसाब के नाल उहदा वैलकम होना चाहिए कि आप देखते हैं ना बहुत सारी थावां दे उत्ते होंदा भी है, इस दे नाल तुहानू दुख भी लगता है अंदरों कि उहदा वैलकम क्यों नहीं होया साडा वार्म वैलकम? जी वो तो है ही है, क्योंकि जितना मतलब एक्सपेक्ट किया जाता है उतना होता नहीं है, है ना? हाँ ते थोड़ी ज़्यादा फैमिली दे विच थोड़ी इस गेम नू लैके ज़्यादा सीरियस कौन है? कई हुंदा कई बारी पेरेंट्स कह देंदे कि ज़्यादा स्टडी ते ध्यान दो कि गेम वाल नहीं, ज़्यादा किस नू हुंदा कि तुहानू अच्छी तो अच्छी सहूलत दिती जावे कि थोड़ी गेम डिस्टर्ब ना होवे? मम्मा पापा दोनों नहीं। ते फिर स्टडी नू ते गेम नू किवें अपनी नू वो जब मतलब एक बार रूटीन बन जाए तो बस फिर हो जाता है। बिल्कुल। तो हुण स्कूल दे विच भी एक प्रगीत कौर दा एक अपना ही हाँ। नाम होएगा कि गोल्ड लैके आंदा इस बच्ची ने, तो बहुत वधिया। और प्रगीत अगे लाइफ दे विच की सोचा होया कि इस गेम नू ही अगे लैके हाँ। कुछ अचीव करना? तो जदों तुसीं कोई भी गेम दे विच हुंदे हो तो सब तो वड्डा रोल तुसीं कहा कि पेरेंट्स दा है ही है, नाल तुहाडे जिहड़े सिखाउण वाले हुंदे ने थोड़े कोच आपां कहिंदे आ गुरु आ, उहदा सब तो वड्डा एक उहदा है ना स्थान हुंदा है थोड़ी गेम दे विच तुहानूं सिखाउण दे विच। तां मैं चाहवांगी कि जिन्हां कोलों तुसीं सिख रहे हो उहनां दे बारे विच वी थोड़ा जरूर दसो, और जेकर तुहानूं मौका मिलदा है कि तुसीं किन्ना होर लंबा उहनां तों ही सिख के अग्गे चलना चाहुंदे हो? हाँ मतलब अगर मेरे पास मतलब ऑलरेडी बेस्ट है तो मैं अब और कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती ज़्यादा। अपने कोच नू बेस्ट समझ दियो। की नाम है उन्हां दा? अर्जुन गंडोत्रा। हाँ बहुत वधिया, क्योंकि ट्रस्ट होना भी बहुत जरूरी है, और किसी एक दे उत्ते तुसी जदों यकीन कर दियो तो दूसरे बंदे दी भी यह फर्ज़ बनता है कि अगर तुसी उहदे उत्ते यकीन किया तो वह अपना होर बेस्ट तुहाडे लई करदे ने, क्योंकि प्लेयर एक कोच दे वल्लों ही तैयार किया जाता है। जिहड़े बच्चे अपनी पढ़ाई नू ते स्पोर्ट नू थोड़ा जिहा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि जेकर असी खेडां वाले पासे जावांगे तो साडी कितें स्टडी डिस्टर्ब ना हो जाए, उस बारे तुसी की सोचदे? जिवें तुसी कहा कि मैनेज हो जाता, किवें मैनेज करदे हो? हार्डवर्क करना पड़ता है, थोड़े सैक्रीफाइस, छोटे छोटे नींद खराब करनी पैंदी है ना क्योंकि मैं देखा जदों आप इंटरव्यू करन आए सी मैनू लगता सी जिदा तुहाडी मदर दस रहे सी रात नूं भी 12-1 वज गया 12:30 प्रैक्टिस करदे करदे, फिर उस तों बाद पढ़ना भी, फिर स्कूल भी जाना, फिर आके विच जिथे किते भी तुसी बैठे बैठे उत्थे सो जाना भी, अपनी नींद खराब करनी पैंदी है, अपना जिहड़ा थोड़ा कंफर्ट है उसनूं साइड बाय रख के कंफर्ट जोन तों बाहर आना पैंदा, और हार्डवर्क जिहड़ा है ना करना पैंदा। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੇਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਦੋ ਮਤਲਬ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੋਤੇ, ਕੁਆਡਸ ਔਰ ਇਨਲਾਈਨ। ਕੁਆਡਸ ਕਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਤਾ ਹੈਗਾ 40-50,000 ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਲਸ ਅਲੱਗ ਹੋਤੇ ਹੈ ਔਰ ਬੇਰਿੰਗ ਅੰਦਰ ਸ਼ੂਜ਼ ਅਲੱਗ, ਸਭ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੇ ਵੋ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ 1 or 2 lakh ਤੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਵੋ ਇਨਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਸਕੇਟਸ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬੈਸਟ ਟੂ ਬੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੇਟਿੰਗ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ? ਫਿਟਨੈਸ ਕੇ ਲਈ, ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਦਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਟੂ ਬੈਸਟ ਦੇਣ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ?
दीदी करती थी पहले जिमनास्टिक्स। अच्छा स्पोर्ट्स के बच्चे मतलब स्पोर्ट्स में है तोड़ा घर का माहौल। हुण एक मैसेज जिहड़े बच्चे स्पोर्ट्स वाल नहीं जा रहे जाना चाहिए, एक छोटा जा मैसेज जरूर दियो। फिटनेस बहुत ज़रूरी है लाइफ में, वो स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। डिसिप्लिन में रहना मतलब वो सिखाता है आपको कि कैसे रहना चाहिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ते मैं सुने तुसी अपनी दादी नाल ते पंजाबी बोलदे हो बोल लेंदे हो थोड़ी बहुत ही कोविड दे थोड़ी विच। बहुत थोड़े है। पेरेंट्स दस रहे सी कि तुसी कोविड दे विच आपां तुहानूं पंजाबी सिखाउण दी पूरी कोशिश कीती है उन्होंने, और दादी नाल थोड़ी बहुत ही बोलदे हो, समझ ही तुसी पूरी है ना, हाँ ये कोविड समझ दे आ विच गई। सीखी है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा गल करन दे लई। ते आपां परमात्मा वाहिगुरू नूं अरदास करदे जिंदगी दे विच होर ज़्यादा तरक्की करो, ते इस तरह के नाल तुहाडे इंटरव्यूज जिहड़े लगातार होंदे रहन। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਗੀਤ ਦਾ ਫਾਦਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ UT ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਪਾਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਗੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਰ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਦਫੇ ਗਿਰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਦਫੇ ਗਿਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਬਰਾਬਰ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਏਗੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਕੂਲ ਇੰਟਰ ਸਕੂਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂ ਰਨਰ ਅਪ ਰਿਹਾ ਦਾ। 1956 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ 1957 'ਚ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਨਰ ਅਪ ਰਿਹਾ। ਇੰਟਰਸਟ ਕਰ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਟੇਲੈਂਟ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਟੇਲੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਅੱਗੇ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਬਣੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਗੀਤ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੀਏ
ਤਾਂ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਕਸਦ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।